कीबोर्ड क्या होता है, हम उसका क्या उपयोग करते हैं, ये आप सभी लोग जानते हो। लेकिन अपने मोबाइल कीबोर्ड, लैपटॉप कीबोर्ड या अपने कंप्यूटर कीबोर्ड का देखोगे तो उसमें कुछ ऐसे सिंबल, यू कही स्पेशल करेक्टर, जिसका उपयोग आप अधिकतर उपयोग तो करते हो, लेकिन उसका जब आपको नाम पूछा जाए तो आप बहुत सारे सिंबल का नाम नहीं बता पाओगे। मान लो आपके किसी साथी ने पूछ लिया कि यह सिंबल क्या है, इसका नाम क्या है, इसका क्या उपयोग करते हो, तो आपको मालूम रहेगा तभी आप बताओगे। ऐसी स्थिति में आपको और आपके दोस्तों को दोनों को ही अच्छा लगेगा और फिर क्या होगा। तो साथियों, आज हम ऐसे ही सिंबल के बारे में बात करने वाले हैं जो आप मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कीबोर्ड में उपयोग करते हो। कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं लेकिन इसको 70-80% लोग नहीं जानते। आज मैं इन्हीं स्पेशल सिंबल के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो अंतिम तक देखें और जानें, और जो इसके बारे में जानते हैं वो इसको कन्फर्मेशन के लिए देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यू नॉलेज। तो आप सभी का मेरे चैनल SKG न्यू नॉलेज में स्वागत है, नई जानकारी के साथ, और मैं शिव कुमार साहू। तो आइए जानते हैं, सबसे पहला जो सिंबल है इसको आप सभी जानते हैं और उपयोग भी करते हैं, तो इसका नाम है एक्सक्लेमेशन मार्क। हम हिंदी में इसको विस्मय बोधक भी बोलते हैं। इसको ऐसे वाक्य जैसे कि हम शाबाश, अरे, वाओ, ऐसे शब्दों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो सिंबल है इसको आप सभी उपयोग करते हो लेकिन इसका एक्चुअल नेम सभी को मालूम नहीं है। जी हाँ, ये है एट साइन। इसको आप एट द रेट भी बोल सकते हो। इसका उपयोग @gmail.com, @yahoo.com या फिर आप अपने पासवर्ड वगैरह बनाने में भी करते हो। आपके कीबोर्ड का नेक्स्ट सिंबल है हैश। इसका एक्चुअल नेम हैश है, जिसका उपयोग किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए या हैशटैग लगाने के लिए किया जाता है। इसको नंबर साइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट सिंबल है, इसको आपने अपने कीबोर्ड में देखा है, इसको बोला जाता है डॉलर। जी हाँ, यह है डॉलर साइन। इसे अमेरिकी करेंसी साइन भी कह सकते हो। नेक्स्ट सिंबल है, इसको अधिकतर लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं परसेंट। हिंदी में इसको प्रतिशत या फीसदी कहा जाता है। नेक्स्ट सिंबल है, इसको आपने मोबाइल या लैपटॉप के कीबोर्ड में जरूर उपयोग किया होगा और आपको इसका नाम भी पता होगा, जिसको आप बोलते हो @, लेकिन इसका एक्चुअल नेम आपको बता दूं, इसको बोलते हैं %। जी हाँ, इसका उपयोग हम एंड और या के रूप में करते हैं। एक मिनट दोस्तों, क्या वीडियो आपको अच्छा लग रहा है? तो ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और उसके साथ आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसा न्यू नॉलेज आपके लिए लाता रहता हूं। अगला सिंबल है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। जी हाँ, इसको आपने देखा जरूर होगा। इसका जो पहला भाग है इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और इसका जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, और इन दोनों को एक साथ बोला जाता है ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अगला जो ब्रैकेट है उसे बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट। इसे हम बड़ा कोष्टक या सर्पाकार कोष्टक भी कह देते हैं। इसके पहले भाग को ओपन कर्ली ब्रैकेट और सेकंड पार्ट को क्लोज कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रैकेट है, इसको हम छोटा ब्रैकेट बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में एक्चुअली उसका क्या नाम है, पैरेंथेसिस। इसके भी पहले पार्ट को ओपन पैरेंथेसिस और सेकंड पार्ट को क्लोज पैरेंथेसिस कहा जाता है, और कंबाइन रूप से पैरेंथेसिस बोला जाता है। अगला सिंबल, इसको आप अपने मोबाइल के या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड में जरूर देखा होगा। जी हाँ, इसे लेस देन या फिर ओपन एंगल ब्रैकेट कहा जाता है। इसका उपयोग हम छोटी संख्या को बताने के लिए करते हैं। उसके बाद इस सिंबल को ग्रेटर देन आर क्लोज एंगल ब्रैकेट कहा जाता है। इस चिन्ह का उपयोग हम बड़ी राशियों को बताने के लिए करते हैं और इन दोनों को एक साथ लिखने पर हम उसको बोल देते हैं एंगल ब्रैकेट। अगला सिंबल की बात करो तो इसको आपने देखा है लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका नाम पता नहीं है। जी हाँ, इसको कहा जाता है कैरेट। आइए अगला सिंबल की बात करते हैं, इसको कहा जाता है कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा। इसका उपयोग हम कब करते हैं, जब किसी वाक्य को हाईलाइट करना है या फिर किसी का वहाँ कथन हो। नेक्स्ट सिंबल की बात करें तो इसको कहा जाता है सिंगल क्वाट और एपोस्ट्रोफी।
इसका उपयोग किसी एक शब्द को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। अगला जो सिंबल है वह है दो बिंदु वाला, जिसको कहा जाता है कलन, जिसका उपयोग आप सभी करते हैं। इसके बाद अगला जो सिंबल है उसे कहते हैं सेमी कलन, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अल्पविराम। नेक्स्ट है एक बिंदु वाला चिन्ह, जिसको हम बोलते हैं डॉट, अंग्रेजी में वाक्य के अंत में फुल स्टॉप के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अगला सिंबल है आगे की ओर झुका हुआ टेढ़ा चिन्ह, जिसको कहा जाता है स्लेश या फिर फॉरवर्ड स्लेश, इसका उपयोग अथवा अब्लिक या के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है पीछे की ओर झुकी हुई टेढ़ी लाइन, इसको बोला जाता है बैकवर्ड स्लेश। अगला सिंबल है इसका उपयोग आप अधिकतर करते हैं खड़ी लकीर, जिसको बोला जाता है पाइप या फिर वर्टिकल बार, इसे हिंदी में पूर्ण विराम भी कहा जाता है। अगला सिंबल है इसे कहा जाता है रुपी, आपने भारतीय करेंसी में आपने देखा है, इसे हिंदी में रुपए कहा जाता है। अगला सिंबल है इसका उपयोग आप कोई भी प्रश्न के अंतिम में करते हैं, इसको कहा जाता है क्वेश्चन मार्क, हिंदी में हो जाता है प्रश्नवाचक। इसका उपयोग हम इंग्लिश के प्रश्नों में, जैसे हम बोल रहे हैं हु आर यू, तो इसके अंत में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ और सिंबल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे हमारे पास है लहरदार निशान, इसको बोला जाता है टिल्डे या टिल्डी बोल देते हैं। नेक्स्ट सिंबल है, इसको आपने मोबाइल या लैपटॉप कीबोर्ड में देखा है, इसको बोला जाता है बैक क्वाट। अगला जो सिंबल है इसका उपयोग आप बहुत ज़्यादा करते हैं अक्षरों को बोल्ड करने के लिए, इसको आप स्टार कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम है एस्टरिक, हम इसको स्टार कह देते हैं। इसका एक और नाम है हिंदी में, इसको बोलते हैं तारांकित। नेक्स्ट है इसका उपयोग आप दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं, इसको डैश कहा जाता है, इसको हम माइनस बोल सकते हैं, इसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है हाइफ़न। डैश की तरह ही एक और सिंबल होता है जो उससे बड़ी होती है, इसका उपयोग किसी शब्द को चिन्हांकित करने के लिए किया जाता है, इसको अंडरस्कोर या फिर अंडरलाइन कहा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की न्यू नॉलेजेबल वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।